उन सर्वज्ञ से कुछ नहीं छिपा होता। फिर गुरुदेव बोले, आगे क्या हुआ? मैंने बोला, बापूजी, एक बार अचानक पिताजी को बुखार आ गया। कई टेस्ट करवाने के बाद भी बुखार का निदान नहीं मिल रहा था। 20-25 दिन हो गए। एक दिन शाम को अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, बोलना बंद हो गया। हम तुरंत उन्हें अस्पताल लेके गए। डॉक्टर बोले, कोमा में चले गए हैं, बुखार ब्रेन में चढ़ गया है। अब 3 संभावनाएं हैं। गुरुदेव एकदम ध्यान से सुन रहे थे। मैं आगे का बता ही रही थी, इतने में गुरुदेव बोले, रुक, अब मैं बताता हूँ कि डॉक्टरों ने 3 संभावनाएं कौन कौन सी बताई थी। डॉक्टर ने बोला था कि या तो ये मर जाएंगे, या लकवा हो जाएगा, या याददाश्त चली जाएगी। ऐसा ही बोला था ना। यह सुनकर तो मैं आश्चर्य से भर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सदगुरु अनजान बनकर मुझसे ये सब पूछ रहे हैं। मैंने कहा, जी ऐसा ही बोले थे डॉक्टर। मेरी माँ अस्पताल से घर आई और मुझे गले लगा के बहुत रोने लगी। इतने में उनकी दृष्टि दीवार पर लगे आपश्री के कैलेंडर पर पड़ी और श्री चित्र को देखते हुए माँ बोली कि देखिए, मेरे पति देव ने भले अनायास ही क्यों ना बोला हो, लेकिन आपको गुरुजी बोला है। अगर आप समर्थ हो तो आप गुरु बन के दिखाइए, तो आपको जानूं। बापूजी बोले, अच्छा, तेरी माँ बड़ी तेज है, मुझे सीधा चैलेंज करती है। जी, अगले दिन ही पिताजी को होश आ गया। डॉक्टरों ने याददाश्त चेक की तो वह भी ठीक थी। फिर डॉक्टरों ने कहा कि इनको ठीक होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। इतना सुनकर अंतर्यामी गुरुदेव बोले, रुक, मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। तेरे पिता 16वें दिन ही घर आ गए थे। जी, ऐसा ही हुआ था। अंतर्यामी शब्द का अर्थ तो जो पहले सुन रखा था उसका उस दिन प्रत्यक्ष दर्शन करने को मिल रहा था। जो ज्ञान सुन रखा था उसका प्रैक्टिकल अनुभव होकर वह विज्ञान में परिणत हो रहा था। वेदांत दर्शन प्रत्यक्ष अनुभव का सूक्ष्मतम विज्ञान है। यह कपोल कल्पना नहीं है, महापुरुषों का जीवन जीता जागता वेदांत दर्शन है। मैंने आगे बताया, जिस प्रकार से पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था उसे देखकर डॉक्टरों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुदेव, आपकी ही कृपा से मेरे पिताजी आज जीवित हैं। पूज्य श्री मुस्कुराते हुए विनोद में बोले, और क्या, वह तो है ही। मैंने कहा, जी इसके बाद मेरे पिताजी की आपके श्री चरणों में श्रद्धा बढ़ गई और फिर हम सभी ने दीक्षा ले ली। इस प्रकार पूज्य बापूजी मुझसे पूछते भी जा रहे थे और आगे की बात स्वयं बताते भी जा रहे थे। ऐसे त्रिकालदर्शी ब्रह्मवेता महापुरुष से कुछ भी नहीं छिपा होता। ऐसे करुणा निधान, दुख भंजन और सबके परम हितैषी सदगुरु की महिमा व लीलाओं का क्या वर्णन करूं और कैसे करूं। वेद और शास्त्र भी ऐसे संतों की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सके। वे साधक शिष्य धन्य हैं जिन्हें ईश्वर से भी बढ़कर करुणा कृपा बरसाने वाले परम गुरु पूज्य बापूजी सद्गुरु रूप में मिले हैं।